हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। खाने में ये केक तो बहुत ही टेस्टी है। बच्चे और बड़े सभी को ये केक पसंद आएगा। इसे एक बार जरूर बनाकर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने बाउल में आधा कप दही लिया है। आप किसी भी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम आधा कप रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। केक बनाने के लिए आप कोई सा भी तेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का यूज़ ना करें। अब इसमें हम आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी को हम छान कर यूज़ करेंगे। अगर आप केक को और मीठा बनाना चाहते हैं तो चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अभी जो मोटे दाने हैं इन्हें हम हटा देंगे। अभी इसे हम विस्क की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये देखिए कितना फ्लफी हो चुका है। अब इसमें हम आधा कप गेहूं का आटा डालेंगे। आटे को हम छान कर ही यूज़ करेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे। 1 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। इसे भी हम छान लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी बैटर गाढ़ा है। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। केक तो सभी को पसंद होता है, और इसे हेल्दी बनाने के लिए मैंने गेहूं के आटे का यूज़ किया है। इसे हमें एक ही साइड चलाते हुए मिक्स करना है। आप देख सकते हैं बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। देखिए हमें इतना पतला बैटर चाहिए। अब बैटर को हम 10 मिनट तक कवर करके रखेंगे ताकि बैटर अच्छे से सेट हो जाए। अब कुकर को हम 10 मिनट तक प्रीहीट करने रख देते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। आप देख रहे हैं कुकर में मैंने नमक डाला है। नमक की जगह पे आप बालू रेत का भी यूज़ कर सकते हैं। कुकर का वायर और सीटी हमें निकालना है। अब केक टिन को हम घी से ग्रीस करेंगे। घी की जगह पे आप ऑयल का या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये प्लेन शीट ली है, इसे मैंने केक टिन के आकार में कट कर लिया है। अब इसे हम केक टिन में रख देंगे और इसे भी हम घी से ग्रीस कर लेंगे। आपके पास जो भी गहरा बर्तन हो उसमें आप केक बना सकते हैं। बैटर को भी रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। बैटर अच्छे से सेट हो गया है। अब बैटर में हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे। वेनिला एसेंस से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। टूटी फ्रूटी वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद होती है। अब इसमें हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को हम ग्रीस किए हुए टिन में डाल देंगे। देखिए केक टिन में मैंने बैटर को डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अब इस पर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। कुकर भी अच्छे से प्रीहीट हो गया है। अब हम कुकर में एक स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है
तो आप कोई भी कटोरी या प्लेट रख सकते हैं। अब केक टिन को उठाकर हम कुकर में रख देंगे। बहुत आसानी से रखें, कुकर बहुत गर्म हो जाता है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर का ढक्कन लगाते समय याद रखें, कुकर का वायर और सीटी हमें निकालना है। अब केक को हम 30 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे केक पका है या नहीं। केक को रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन निकाल कर देखेंगे केक पका है या नहीं। आप देख सकते हैं टिन में केक कितना फूल गया है। अब हम इसे चाकू की सहायता से चेक करेंगे। देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन निकल कर आई है, इसका मतलब है केक पक गया है। अब केक को हम कुकर में से बाहर निकाल लेंगे। 10 मिनट तक केक को टिन में ही रहने दें। इसे निकालने की जल्दी ना करें। केक को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब केक को मैं आपको कट करके बताती हूँ। ये गेहूं के आटे का केक है तो ये हेल्दी भी बहुत है। इसे आप एक बार घर पर जरूर बनाकर देखें। देखिए केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।